हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कौन से चैनल से ऐसे ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन तैयारी करने के लिए सीटेट की पढ़ाई कर सकते हैं। तो बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन कौन सा है जो मुझे लगता है और जो जिनकी पढ़ाई मुझे समझ आती है, तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ 5 से 6 चैनल। तो आप उनको देख लीजिएगा, अगर आपको समझ आए उनकी पढ़ाई या आपको मतलब सही लगे वहाँ से पढ़ना, तभी आप पढ़िएगा। और मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों से बोली थी कि आप अपने टीचर का चयन या ऑनलाइन पढ़ने उस प्लेटफॉर्म का चयन ज़रूर आप सही तरीके से करें, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आ रही हूँ। तो पहला मेरा इसमें है कि मैं यहाँ पे लिख दूँगी, मेंशन हो जाएगा। तो इतने सारे मैंने नाम लिख के रखे हैं। तो यहाँ सबसे पहला टेट अड्डा 24/7 है, जो स्पेशली टेट के लिए ही है और मुझे उनकी पढ़ाई समझ आती है। तो अभी मैं फ़िलहाल वहाँ से CDP EVS पढ़ रही हूँ। और आप वहाँ पे मैराथन हो रहे हैं, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। आप उस चैनल पे बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे होंगे, तो आपको अगर उनकी पढ़ाई सही लगे तो आप अगले 60 से 70 दिन कंटिन्यू रख सकते हैं अपना सिलेबस ख़त्म करके। लेकिन आपको अभी ही वो तय करना होगा कि किस चैनल से आपको पढ़ना है। तो टेट अड्डा 24/7 पहले नंबर पे मैंने रखा, क्योंकि मुझे वहाँ की पढ़ाई सही लगती है और वो कंटेंट पूरा देते हैं। आपको सिलेबस मतलब आपको जिस तरीके से ख़त्म करना है वो आपका सिलेबस वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, बट आपको अवेयर होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर। और टीचर्स अड्डा भी उसी का है, तो आप वो दोनों चैनल मिला के आप अपना वीडियोज़ कम्प्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन या जो भी आपको पढ़ाई करना है। दूसरे नंबर पर है सचिन अकेडमी। ये मेरा पर्सनल फेवरेट चैनल है मतलब, और मैं मतलब अभी तक मैं बस सचिन सर के ही वीडियोस देखती थी, क्योंकि सबसे पहला अगर मुझे किसी का मतलब ये कंटेंट CTP वगैरह कुछ भी मुझे मेरे माइंड में आता था या समझ आता था, तो वो सचिन सर का ही चैनल था। क्योंकि वो बहुत इजी वे में पढ़ाते थे और उनका लैंग्वेज मतलब वो उनके बात करने का तरीका बहुत आसान मुझे लगता था और मेरे माइंड में उन्हीं का पढ़ाया हुआ घुसता था। लेकिन एक्चुअली जिस हिसाब से ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं 2 बार से और वो पैटर्न चेंज हो गया है, तो आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, तो आप उनका चैनल भी देख सकते हैं। और तीसरे नंबर पे मैं EVS के लिए, मैं पर्सनली EVS के लिए मैंने रखा लोकेश सर को। उनकी भी क्लास बहुत अच्छी होती है EVS के लिए, तो अगर आपको उनका EVS का क्लास देखना है तो उनके चैनल पर देख सकते हैं, या वो इस समय शायद वो पहले दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते थे, इस समय वो सुपर कोचिंग में उनके क्लासेज आती है, जो सुपर कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से आप EVS का देख सकते हैं। तो EVS के लिए अगर आपको ज़्यादा मतलब पढ़ाई जो भी करनी है, तो एक लोकेश सर, दूसरे वो टेट अड्डा वाले से पढ़ सकते हैं, और तीसरा आपको वीडियोस देखना है तो सचिन सर की प्रीवियस ईयर वीडियोस मतलब जो पिछला सीटेट हुआ है उसमें उन्होंने बहुत सारे वीडियोज़ डाल रखे हैं, तो वो सब आप देख सकते हैं। और फिर मैं चौथे नंबर पर लेट्स लर्न को रखी हूँ, क्योंकि मतलब वहाँ भी अच्छी पढ़ाई होती ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, या अगर आप विगनर हैं आपको कुछ पता ही नहीं सीटेट के बारे में, तो आप पूरे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप एकेडमिक में अच्छा पढ़े हैं और अगर CDP वगैरह की बुक्स पहले से आपने मतलब पढ़ के रखी है, तभी आपको समझ आएगी। और मुझे मतलब वो अच्छा पढ़ाती हैं, बट मुझे उतना नहीं समझ आता है तो मैं उतना नहीं पढ़ती हूँ। बट अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए किसी चैनल मतलब चैनल से, तो आप इन चैनल से ही देख के आप अगर कोई सीटेट का कुछ नोटिफिकेशन वगैरह या कुछ भी सिलेबस वगैरह के बारे में कोई बता रहा है, तो आप इन पे बिलीव करिए, इन सारे चैनल्स पे, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं जिस पे आपको कुछ भी बताया जाएगा, तो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ वाले ही चैनल को देखना है और उसको अप्लाई करना है। तो चौथे नंबर पे लेट्स लर्न को मैंने रखा, तो आप देख सकते हैं, अगर आपको उनकी पढ़ाई अच्छी लगे तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और पांचवें नंबर पे मैंने रखा गुरुजी वर्ल्ड। तो गुरुजी वर्ल्ड पे भी बहुत अच्छा मतलब कंटेंट अच्छा ही देते हैं वो, और आपका प्रैक्टिस सेट वगैरह वहाँ से अच्छे से हो सकता है रिविज़न, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और वो मेन मुझे UP TET के लिए सही लगता है, क्योंकि वो वन लाइनर वगैरह और ज़्यादा वो वैसे देते हैं, लेकिन आप उनका चैनल देख सकते हैं और वहाँ पर अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं यहाँ पे 6वें नंबर पे रखी हूँ पीपल टीचर को, तो वो भी बहुत अच्छा वीडियोस बनाती हैं और ऑथेंटिक न्यूज़ ही देती हैं और टॉपिक वाइज भी अच्छा पढ़ाती हैं। तो ये सारे रहे 5 से 6 चैनल, और इन सबको आप देख लीजिएगा, अगर आपको जो जो समझ आए वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपना मतलब सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।